प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाँ हरमीत कौर ते अज दी क्लास विच असी बुल्ले शाह दी काफ़ी रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई दी व्याख्या करन जा रहे हाँ। साईं बुल्ले शाह ने इस काफ़ी दे विच जीव रूप या इस्त्री रूप दे विच अपने मनो अवस्था दा बयान करदिया होया फरमाया है कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, भाव हीर रूप दे विच कवि कह रहे हैं कि मैं अपने परमात्मा दे सिमरन दे विच आराधना दे विच या बंदगी दे विच इस कदर लीन हो चुकिया हाँ कि मैनू अपना आपा जो है उसका ख्याल ही भुल गया है, भाव चेले विचों गुरु की सुगंधी आनी शुरू हो गई है या चेला जो है गुरु का रूप ही हो चुकिया है, उसनू अपने रोम रोम दे विचों अपने गुरु दे अपने रांझे दे दीदार हो रहे हैं, कल्पना कर रहा है। इस तरह जिवें असी किसी गल नूं बार बार दिमाग दे विच सोचते हाँ तो उस तरह के सानू सुपने आने शुरू हो जाते हैं, ठीक अजिही स्थिति जो है बुल्ले शाह ने इस काफ़ी दे विच प्रगटाई है कि हीर रूप दे विच कवि कह रहा है कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, सदो नी मैनू धीधो रांझा हीर ना आखे कोई। वह अपने चौगिरते संबोधित हो रहा है कि अज तो बाद मैनू कोई भी रांझा कह के ना बुलाए क्योंकि मेरे विचों मेरी मैं मेरा आपा इस ढंग नाल मनफी हो गया है कि हुण मैं अपने आप नू रांझे दा ही रूप तसव्वर कर रहा हाँ, कल्पित कर रहा हाँ। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच होर ख्याल ना काए क्योंकि मैं इस तरह रांझे रूपी रब नू अपने हिरदे विच वसा चुकिया हाँ कि मेरे ख्यालां दे विच मैनू उठद्या बैठद्या सौंद्या जागद्या हर पल उसे दे ही ख्याल जो हन मेरे उपर हावी हन, मैं नहीं वो आप है अपनी आप करे दिल जोई। कवि कह रहा है कि इहदे विच मेरा कोई रोल नहीं है या मेरी कोई प्राप्ति नहीं है, बल्कि ये भी मेरे मुरशद दी मेरी गुरु दी मेरे ते रहमत है कि मैनू उसने इस स्थिति दे विच इस रंग दे विच रंगया है। हथ खूंडी मेरे अगे मंगू मुढ़े पूरा लोई। कवि कह रहा है कि अभेदता की स्थिति दे विच इस तरह का तसव्वर इहो जिही मनोस्थिति बन गई है या अपने आप नू कवि जो है इस रूप दे विच चित्व रहा है कि जिवें वो सचमुच रांझे का रूप बन गया है ते हथ विच खूंडी फड़ी हुई है ते अगे ठीक उस तरह मझां का वग तुरिया जा रहा है जिवें रांझा मझां चराउण लई जांदा सी ते मोढ़े उपर पूरा लोई धारण की हुई है जो संसारिक उपरामता का प्रतीक है, भाव रांझे ने हीर नू प्राप्त करन दे लई अपना आपा अपनी हौमै मनफी कर दिती, एक तरह दे नाल समर्पण की भावना है। ठीक इस तरह जदों कोई जीव जो है रब दे रंग विच रंगिया जांदा है तां उस दी जेकर भगती सच्ची सुची है तां ओ रब दा ही रूप हो जांदा है, जिवें असी किसे इंसान नू कह दिंदे हाँ कि फलाणा तां रब रूप है भाव उस दे विच हौमै नहीं है। बुल्ला हीर सलेटी वेखो कित्थे जा खलोई। साईं बुल्ले शाह कह रहे हैं कि देखो हीर दी मनोस्थिति किन्नी उच्ची है, किस तरह वो समाजिक मान मर्यादा तो हर तरह के बंधना तो हर तरह दियां जो नैतिक या सदाचारक कीमतां ने उन्हां तो उपर उठ के अपने रांझे दे लई सब कुछ कुर्बान करन दे लई आपा वारन दे लई तैयार है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, सदो नहीं मैनू धीधो रांझा हीर ना आखे कोई। कवि कह रहा है कि इस तरह हीर जो है उस स्थिति दे विच रब नू प्राप्त करन दी स्थिति दे विच रब रूपी रांझे नू प्राप्त करके उस दीयां यादां दे विच इस तरह गुआची हुई है कि वह रांझे दा रूप बन चुकी है, इसलिए वह अपनियां जीवात्मावां रूपी सखियां सहेलियां नू कह रही है कि अज तो बाद मेरे विच मैं यानी कि हीर या मनुख दे विच अपना होमै रहा ही नहीं, वह उस परम परमात्मा दा दे रंग विच रंगया जा चुकिया है, इसलिए उसनू हुण धीदो रूपी रांझा कह के ही रब रूपी रांझा कह के ही मुखातिब होया जाए क्योंकि मेरे विचों मेरी मैं मनफी हो चुकी है। धन्यवाद।